अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी साइकोलॉजी क्लास है और हम लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रवैये, अकीदे और समाजी वकूफ़। मेन टॉपिक हमारा है आज का रवैये। ठीक है, जब हम किसी से मिलते हैं, जब किसी से बात करते हैं, किसी नए शख्स से मिसाल के तौर पर हम मिलते हैं, तो जब हम उससे बात करते हैं या उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। उसके अंदाज़ पे हम गौर करते हैं, ये कैसे बात कर रहा है, ये इसका अंदाज़ किस तरह का है, या इसका रवैया किस तरह का है, क्या ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, इस तरह के टैग्स हम उसको देना शुरू कर देते हैं। और इस तरह की एक थिंकिंग हमारे दिमाग में आ जाती है, कोई एहसास हमारे दिमाग में आता है उसके लिए। या तो हम अच्छा सोचेंगे, हमें वो इंसान अच्छा लग सकता है, या हम उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। तो इस तरह से उसके तई हमारा रवैया बन जाता है, पहली मुलाकात में ही अक्सर हमारा रवैया किसी की तरफ बन जाता है। ये हो सकता है कि बाद में कभी वो रवैया हमारा बदल जाए, चेंज हो जाए, लेकिन जब आप किसी से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है और उसके तई आपका रवैया ज़रूर बनता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से अगली बार आप उससे बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप हर किसी से बिल्कुल सेम एक ही तरीके से बात नहीं करते, आप हर शख्स से अलग अलग तरीके से बात करते हैं। यानी कि आप ये देखते हैं कि सामने वाले का मिजाज किस तरह का है, तो हमें उससे बात किस तरह करनी चाहिए, है ना। ये चीज़ हम हमेशा करते हैं, हर किसी के साथ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास इंसान है जो बहुत समझदार है वही ऐसा कर रहा है, बल्कि हर शख्स का मुख्तलिफ लोगों से बात करने का जो अंदाज होता है या उसके तई उसका जो रवैया या किरदार होता है वो मुख्तलिफ होता है। हम अपने वालिद से अलग तरीके से बात करेंगे, हमारे दोस्तों में जो मुख्तलिफ दोस्त हैं हमारे, कोई हमारा बहुत करीबी दोस्त बन सकता है। जब हम नई क्लास में हम एडमिशन लिया मिसाल के तौर पर, और उस टाइम हम सबसे अनजान हैं, हम किसी को नहीं जानते वहाँ पर, लेकिन जब हमने पहले किसी से बात की, फिर किसी दूसरे बच्चे से बात की, फिर किसी तीसरे बच्चे से बात की, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर हम हर किसी से इंटरेक्ट करते हैं और उनमें से कोई एक हमें ज़्यादा पसंद आता है और उसके ज़्यादा हम करीब होते हैं, या किसी को हम ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो हमारे ज़्यादा करीब होता है, और वो हम फिर बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं किसी को, और किसी को से फिर बात ही करना पसंद नहीं करते, लगता है कि ये इंसान हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमें सूट नहीं कर रहा या कर रही फ्रेंड हमारी, तो फिर हम उससे फ्रेंडशिप नहीं करते, उसे दोस्त नहीं बनाते, उससे अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने उनसे मुलाकात की, हमने उनसे बात की, तो कुछ सोच हमारे दिमाग में चली, हमने उसके बारे में कुछ सोचा कि इसका रवैया हमारे लिए ठीक है, नहीं है, गलत है, ख़राब है, या मूडी है, या गुस्से वाली है, मिजाज अच्छा नहीं है, जो भी है, कोई एक सोच हमने बना ली। ठीक है, कोई एहसास हमें हुआ, अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। ठीक है, इसी तरह फिर बाद में हम उसके हिसाब से फिर हम अमल करना शुरू करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का जो ये एक इकट्ठा करके हमने अगर एक फीलिंग को नाम दें, ये उस चीज़ को अगर हम नाम दें, तो इसको हम रवैया कहते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा अकीदा। अकीदा यानी कि बिलीफ, यानी कि भरोसा कर लेना किसी चीज़ पर, हमारा एतकाद होना। ठीक है, एतकाद या अकीदा एक ही बात है, किसी चीज़ को सच मान लेना। ठीक है, हम उस चीज़ को अगर सच मान लिया, हमारा अकीदा हो गया, तो उसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता, घुमाया नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता, वो बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाता है और उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी जो है चलती है। इसके बाद है समाजी वकूफ़। जैसा कि हम पहले ही, अच्छा ये सारी बातें जो हैं ये सब समाजी नफ्सियात में आ रही हैं, क्योंकि हमारा समाजी नफ्सियात वाला मॉड्यूल शुरू हो गया है, तो आपको याद होगा कि इससे पहले की भी जो बातें हमने की वो समाजियात के ऊपर ही की है ना। पिछले हफ्ते जो हमारा लेसन था वो तरसील के ऊपर था, और तरसील भी हमारी दूसरों के साथ ही हो रही थी, और ये जो रवैये हैं हमारे, ये भी तरसील के ही ज़रिए से दूसरों के रवैये हम तक पहुँचते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, तो उसके अल्फाज, उसका बात करने का तरीका, उसके देखने का अंदाज, ये तमाम चीज़ें हमसे कुछ कहती हैं, और उसकी वजह से हमारा रवैया बन जाता है। अच्छा, उसके बाद समाजी वकूफ़ की हम बात कर रहे थे। समाज के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारा वकूफ़ क्या है? वकूफ़ का ताल्लुक सोच से है, ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वकूफ़ का ताल्लुक जो है वो दिमाग से होता है, सोच से होता है। तो समाज के बारे में हमारी क्या सोच है, हम किस तरह से समाज को लेते हैं अपने साथ, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, रवैये के काम, आखिर ये रवैये होते ही क्यों हैं, क्यों बनते हैं ये रवैये, हमें ये बात हम सोचने वाली है कि आखिर रवैयों को की क्या ज़रूरत है, हमें क्यों होते हैं हमारे पास रवैये। तो रवैये इसलिए होते हैं ताकि हमारी समाजी ज़िंदगी में आसानी हो जाए, हम एक दूसरे से बात करते हैं, दूसरे को समझते हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, हम दूसरे से
सोच के बात कर सकते हैं कि ये इंसान कैसा है। उसको एक बार में ही हमने परख लिया, एक ही बार में हमने बात की और हम समझ गए वो इंसान कैसा है, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि अगली बार हम उससे किस तरह बात करेंगे। ठीक है, जो बजाते खुद पेचीदा और मुख्तलिफ किस्म की मालूमात से भरी हुई है, यानी कि इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं इसके अंदर। अगर हमें किसी के रवैये का पहले से एहसास हो गया, पता चल गया, तो हमारी जिंदगी काफी आसान हो जाती है। अब वो आसान कैसे होती है, क्या क्या काम होते हैं रवैयों के, तो वो मुख्तलिफ काम है यहाँ पर, चार अहम काम यहाँ पर इसमें आपकी किताब में बताए गए हैं। रवैयों से हमें एतराफ़ की दुनिया को समझने में मदद मिलती है, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। सबसे पहले तो हम देख पाते हैं कि किसका रवैया हमारी तरफ कैसा है, हमें कैसा उसके साथ बिहेव करना है ना, जैसे जो हमने बात भी की इस बारे में कि किससे हमें किस तरह बात करनी है, ये हमें रवैये बताते हैं। और फिर हमें उस तरह बनना है या नहीं बनना है, ये भी चीज़ हमें बताते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप किसी को वो बना लेते हैं, आइडियल बना लेते हैं कि भाई वो शख्स बहुत अच्छा है और हमें भी वैसे ही बनना है, तो इससे आपको तकवियत मिलती है अपने रवैये को और मजबूत बनाने की। अगर आप कुदरती तौर पर किसी जानिब मिलान रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई कहना चाहिए कोई नेता है या कोई लीडर है, कोई ऐसा शख्स पसंद है, तो आप वैसा बनने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे बहुत से मुसलमान जो हैं अल्लाह के रसूल को आइडियल मान लेते हैं, तो हम वैसे ही ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, हम सोचेंगे यही बेस्ट ज़िंदगी है और हमें वैसे ही अमल करना है। ठीक है, तो इस तरह मदद मिलती है हमें। दूसरे, रवैयों से उन सामाजिक ग्रुपों का पता चलता है जिनसे कोई शख्स ताल्लुक़ रखता है। हमारा क्या रवैया है ये हमारा बताता है कि हम किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हमारा रवैया बहुत ज़्यादा मजहबी है और बहुत कपड़े किस तरह से पहन रहे हैं हम, हमारा हुलिया क्या है, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, तो उससे हमारे ख़ास ग्रुप से होने का पता चलता है, यानी कि पता चल सकता है कि ये शख्स मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, आपके मदारिस अलग अलग मदारिस हैं, उसमें कुछ वैल्यू एजुकेशन आपको दी जाती होगी, कुछ ख़ास किस्म के अखलाक इकदार आपको सिखाए जाते होंगे, तो जब आपसे कोई बात करता होगा तो वो समझ जाता होगा अच्छा ये बच्चे बहुत आला दर्जे के अखलाक रखते हैं अपने अंदर, ये ज़रूर उस मदरसे से फारिग हैं या उस मदरसे के तालिबे इल्म या तालिबा हैं, है ना। तो ये चीज़ बताती है कि हम किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अब नया आपका आता है रवैये और किरदार के दरमियान रिश्ता। रवैया क्या होता है, किरदार क्या होता है, इनके दरमियान में रिश्ता क्या होता है। तो रवैया तो हमने समझ लिया, रवैया क्या चीज़ होती है जिसमें हमारी सोच भी हिस्सा रखती है, जिसके अंदर हमारा एहसास भी हो और जिसके अंदर हमारा किरदार भी हो। अब किरदार क्या चीज़ है, अब इसमें यह है कि किरदार यानी कि जो हम अमली तौर पे कर रहे हैं उसको हम किरदार कहते हैं, उसी को हम बिहेवियर कर रहे हैं, जो हम काम करते हैं, जो जो हमारा दिखता है लोगों को। ठीक है, रवैया भी हमारा दिखता है काफ़ी हद तक, लेकिन किरदार हमारा ज़्यादा दिखता है। रवैये और किरदार के दरमियान रिश्ता पेचीदा है और अक्सर किसी के किरदार से उसके रवैये की पेशनगोई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम किसी के रवैये किरदार को देखें कि वो किस तरह के अमल कर रहा है, तो उससे हम उसके रवैये के बारे में हमेशा पेशनगोई नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका अगला अमल क्या होगा या किस तरह वो अमल करेगा या इसकी ज़िंदगी में किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार सकता है। ठीक है, हम इस तरह से पेशेंटगोई नहीं कर सकते हर इंसान को देख के, लेकिन ऐसा कर सकते हैं तब जब कुछ शराइत इसकी बताई गई हैं, तहकीक के ज़रिए से पता चला है कि कुछ ख़ास किस्म के हालात हैं जिसमें हम रवैये के तहत किरदार की या किरदार के तहत रवैये की पेशेंटगोई कर सकते हैं। ठीक है, तो जज़ाकअल्लाह खैर, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग ज़रूर। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम।